पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मजूला थाना क्षेत्र के लाइन पार स्थित रामलीला ग्राउंड में कार्निवल मेला लगा हुआ था। आज अचानक से मेले में लगी कुछ दुकानों में भयंकर आग से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से हड़कंप मच गया और लोगों में भगदड़ मचनी शुरू हो गई। दुकानों में आग लगता देख दुकानदारों ने आग बुझाने का प्रयास किया और आग की सूचना तुरंत ही फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर मशक्कत करने के बाद दुकानों में लगी आग पर काबू पाया जा सका। हमारे कंट्रोल रूम को 10:55 पर सूचना मिली कि लाइन पार में मेला लगा हुआ है, वहाँ पर आग लगी है। और इस सूचना को मुझे भी बताया गया तो मैंने तत्काल वहाँ से 3 गाड़ियाँ रवाना किया और जो अन्य गाड़ी थी 2 गाड़ी और मूवमेंट के लिए रवाना किया, क्योंकि मेला काफ़ी सेंसिटिव होता है। और 10:55 पर जो सूचना मिली थी, ठीक 11:20 पर हमने आग पर नियंत्रण पा लिया। और ये जो आग किस कारण से लगी है इसके बारे में लिखवाया जाएगा कि दुकान किसकी थी, उसमें क्या सामान बेचा जा रहा था और किस वजह से आग लगी, क्योंकि आग लगने के कारण के बारे में जो वहाँ से आग लगने से पहले जो लोग होते हैं वो इसके बारे में सत्यता बता पाते हैं कि आग किस कारणों से लगी। और आप लोगों के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी हमारे नागरिक हैं, चाहे मुरादाबाद के हैं या जो भी सुनने वाले हैं, चाहे हिंदुस्तान के कहीं के भी हों, गर्मी का सीज़न है, आग के लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, गर्मी बढ़ती है, तो कोई भी जो कार्य ऐसा व्यावसायिक कार्य है उसको सावधानी से पूर्वक करें और जो व्यावसायिक कार्य हैं उनको वैध जगह पर ही कार्य किया जाए। घरों में कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण न किया जाए, जो इलेक्ट्रिक उपकरण है हमारे वो क्षमता से अधिक के ना प्रयोग किए जाएँ, जो लूज वायर हम यूज करते हैं वो ना किए जाएँ, जो अपनी इंडस्ट्री है, अस्पताल है, जिसमें भी हम लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनके मालिकों से कहा जाए कि आपके द्वारा क्या ये फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का फॉलो किया जा रहा है, नहीं अगर नहीं किया जाता है तो उसको बताएं, क्योंकि जब व्यक्ति ही बताएंगे मालिकों को, ऐसे लोगों को, ऐसे फैक्ट्री वालों को, ऐसे होटल वालों को, तो विवशपूर्वक उनको जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है वो अनुपालन करेंगे। अगर हम नहीं पूछेंगे, जैसे हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमें स्कूल वालों से भी पूछना चाहिए कि क्या फायर सेफ्टी के नॉर्म्स आपके द्वारा पूरे किए जा रहे हैं, नहीं, क्योंकि जब आप लोग पूछेंगे, जब जन सामान्य पूछेगा तो तभी वो लोग करते हैं। और सर किस किस दुकानों में आग लगी है, क्या मतलब? ये 3 दुकानें थी, इसके बारे में भी जानकारी कर रहे हैं हमारे अधिकारी कि ये किस प्रकार का इनमें दुकानों में व्यवसाय किया जा रहा था। संभवतः वो सच्चाई है कि क्या अब तक गैस यूज करने से लगा है या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगा है, ये जानकारी करने के बाद ही पता चल पाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।